Hello dear children and welcome back. Today we are going to discuss the measurement of angles. How to measure an angle? Before starting the measurement of angles, let me tell you the standard unit of an angle is degree. Jis tarah se length ka unit jo hai, the standard unit of length is meter, standard unit of weight is kilogram, standard unit of capacity is liter. Similarly, the standard unit of angle is degree. Okay? तो एंगल इसका क्या होता है बेटा? डिग्री. और किस तरह से लगाते हैं, डिग्री का सिंबल क्या होता है? ये डिग्री का सिंबल जो होता है, छोटी सी जीरो लगती है, छोटी स्मॉल जीरो. और कहाँ पे लगती है? एट द राइट साइड ऑफ द नंबर. नंबर के राइट साइड पे लगती है और उसके ऊपर लगती है. ठीक है, इट इज रिटन एट द राइट साइड ऑफ द नंबर हाई अप. ओके, एंड वी यूज प्रोट्रैक्टर टू मेजर एन एंगल. एंगल को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? प्रोट्रैक्टर. जिस तरह से हम लाइन सेगमेंट को यूज मेजर करने के लिए वी यूज स्केल, है ना, स्केल यूज करते हैं हम लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए. सिमिलरली टू मेजर एन एंगल वी यूज प्रोट्रैक्टर. ओके, सो दिस इज अ प्रोट्रैक्टर. ओके, this is a protractor and there are two rows of numbers marked on the protractor. यहाँ पे two rows हैं. ठीक है, देखिए, first starts from left side 0 to 180 degree and second row starts from right side 0 to 180 degree. okay, there are 180 equal subdivisions. इन सभी 180 इक्वल सब डिविजन्स हैं. ये छोटी छोटी जो लाइंस दिख रही हैं, ये कितनी हैं बेटे? 180. एंड ईच सब डिविजन डिनोट्स 1 डिग्री. और हर एक लाइन कितने कितने डिग्री की है? 1 डिग्री की है. ओके, सो ईच सब डिविजन डिनोट्स 1 डिग्री. देर आर टू स्केल्स इन अ प्रोट्रैक्टर इन रिवर्स ऑर्डर. ओके, अब जैसे इस तरह ये स्केल कहां से स्टार्ट हो रही है? लेफ्ट साइड वाली 0 टू 180 डिग्री. और जो अंदर वाली स्केल है वो भी 0 टू 180 डिग्री है. ये इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में है. ओके, सो दिस इज अ प्रोट्रैक्टर. अब ये दोनों स्केल्स हम प्रोट्रैक्टर की यूज करते हैं टू मेजर एन एंगल. ओके, अब क्यों यूज होती है? एक स्केल जो इस साइड से है वो लेफ्ट साइड एंगल जो है, एंगल के फेसेस दो साइड को होते हैं, हो सकते हैं. ठीक है, लेफ्ट साइड को भी हो सकता है और राइट साइड को भी हो सकता है. अगर आप लेफ्ट साइड को फेस उसका ओपन रखना चाह रहे हो, ठीक है, सो यू विल यूज द आउटर स्केल. एंड इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ एन एंगल with its face towards right side, then you will use the scale, inner scale. okay, तो आपने अंदर वाली स्केल यूज करनी है अगर आप राइट साइड को उसका फेस दिखाना चाहते हो. और अगर लेफ्ट साइड को उसका फेस दिखाना चाहते हो तो आपने आउटर स्केल यूज करना है. okay बेटा, लाइक दिस. ये देखिए, एक एंगल, अगर एंगल का फेस राइट साइड को है, देन यू विल यूज इनर स्केल, देन यू विल यूज दिस इनर स्केल. ओके, 0 टू 180. एंड अगर इस साइड को, लेफ्ट साइड को इसका ओपन फेस है, ठीक है, तो इस साइड के लिए आपका लेफ्ट साइड के लिए आउटर स्केल यूज होगा. ओके, सो दिस इज योर आउटर स्केल. आउटर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम लेफ्ट साइड 0 10 20 एंड इनर स्केल स्टार्ट्स फ्रॉम राइट साइड 0 10 20 30 40. ठीक है बेटा, तो आप दोनों तरह से एंगल्स ड्रॉ कर सकते हो. क्लियर? Now next is how to measure an angle. As we all know that in an angle there is one vertex and two arms. एक vertex होता है और इसके two arms होते हैं बेटे. तो हमने जो protractor है, protractor को हमने किस तरह से उन arms पे, उस vertex पे set करना है और किस तरह से उस angle को find out करना है, ये अभी हम लोग सीखेंगे. okay? So let's start worksheet 3. Its first question is, use the protractor and measure the following angles. You have to use the protractor and then measure the
these angles. Okay, so you have to do this question in book. Okay, so let's start. Its A part is, अच्छा बेटा जब स्टार्ट करने से पहले मैम आपको बताएंगे ये इसका वर्टेक्स है इस एंगल का, दिस इज वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल एंड दीज आर टू आर्म्स, ये इसके टू आर्म्स हैं. ओके, अब किस तरह से हमने इस प्रोटेक्टर को यहाँ सेट करना है ये अभी आपने ध्यान से देखना है. पहले आप प्रोटेक्टर को देखिए, इसमें आपको ये एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन जहाँ पे ज्वाइन हो रहे हैं ये इस पॉइंट पे, ये आपका वर्टेक्स के ऊपर आएगा. और ये जो लाइन है बेटा, ठीक है, ये ब्लैक कलर की जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है ये इस लाइन के ऊपर आएगी. ओके, वर्टेक्स जो होगा, वर्टेक्स किसके ऊपर रखना है, ये जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का ये जो पॉइंट है जहां ये दोनों मिल रहे हैं ये पॉइंट इसके ऊपर रखना है. और ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल ब्लैक बेस में जो है ये इसके ऊपर रखनी है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अब देखिए ये सेटिंग करना आपको ठीक से आना चाहिए, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया और ये ठीक से कंसाइड कर दिए हैं मैंने. ठीक है, नाउ आई विल चेक द सेकेंड रे. अब ये सेकेंड रे किस साइड को, देखिए पहले तो इसका फेस किस साइड को ओपन्ड है, ओपनिंग किस साइड को है, राइट साइड को. तो मैं इनर स्केल यूज करने वाली हूं. ठीक है, 0, 10, 20, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 और 50 के बीच में, मींस 40 से आगे ये 45 डिग्री पे है. ओके, सो इट दिस इज 45 डिग्री. ये एंगल कितने डिग्री का हुआ आपका, 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बी पार्ट में क्या करना है. सिमिलरली I'll keep this point at this vertex and this line at this line. Okay? अब मैंने रख लिया, अब मुझे हिलाना नहीं है इस प्रोटेक्टर को. ओके, अब मैंने फर्स्ट रे को तो मैंने इस लाइन के ऊपर रख लिया है. अब सेकेंड रे को मैं चेक करूंगी और किस साइड को ओपनिंग है इस एंगल की, राइट साइड. अगेन इनर एंग, इनर स्केल, 0 degree, 10 degree, 20, 30, 40, 50, 60, 70 degree. कौन से स्केल आई है, कितने डिग्री आया, 70 degree. सो इट्स आंसर इज 70 degree. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ये रखना आपको ठीक से आना चाहिए बेटा, डेसिमल के ऊपर. ठीक है, वर्टेक्स के ऊपर और ये लाइन लाइन के ऊपर. फिर से इसकी ओपनिंग राइट साइड को है तो मैं इनर स्केल यूज करूंगी और यहां से आती हुई यहां 100 डिग्री तक पहुंच गई मैं. और 100 और 110 के बीच में 105 डिग्री है, ये कितना डिग्री है, 105 डिग्री. ओके, 105 डिग्री. ये 70 डिग्री था और ये था आपका 45 डिग्री. ओके, नेक्स्ट इज, अब ये देखिए इस साइड से है ये एंगल लाइक दिस. तो इसको क्या करना है, हमने डी पार्ट को, अब डी पार्ट में क्या है, ओपनिंग लेफ्ट साइड में है. ओके, सो आउटर स्केल यूज होगा और इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखना है मुझे. और ये बेस, ये जो लाइन है, ये फर्स्ट रे जो है ये, ठीक है, ये इस लाइन के ऊपर आनी है. ठीक है, ये दोनों को इनसाइड करेंगे, मिलाएंगे हम लोग लाइक दिस और ये बिल्कुल मिल जाने चाहिए इस तरह से. ठीक है, अब सेकेंड रे को देखेंगे किस साइड को है बेटा, आउटर. ठीक है, 0, 10, 20, 30, 30 और 40 के बीच में है, 35 degree. दिस इज 35 degree. ओके, नेक्स्ट ई पार्ट. अब ई की ओपनिंग देखिए, इस साइड को अगर मैं देखूं, इसके लिए मुझे टर्न करना पड़ेगा बुक को लाइक दिस. और ये किस साइड को हुआ, राइट साइड को हुआ ये. और राइट साइड के लिए फिर से मैंने वर्टेक्स और ये लाइन रे जो है नीचे ज्वाइन कर लिए. और ये कितना डिग्री बना, 0, 10, 20 से लेके 90 degree. 90 degree बेटा सेम रहता है, चाहे आप लेफ्ट से देखो राइट से देखो, 90 एक ही जगह पे आते हैं. सो दिस इज 90 degree. इसको मैंने रोटेट कर लिया बुक को और ये कितना डिग्री एंगल बना मेरे पास, 90 degree. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए लाइक दिस, फिर से मैंने रोटेट कर लिया, इसे मैंने यहां रखा, इस तरह से सेट किया. और इनर स्केल 110 एंड 115 डिग्री
115 डिग्री आ गया ये. नेक्स्ट लाइक दिस. अब इसकी ओपनिंग देखिए लेफ्ट साइड पे है, मींस मुझे कौन से स्केल यूज करनी है, लेफ्ट आउटर स्केल. ओके लाइक दिस. और ये आ गया हमारे पास आउटर स्केल, हम देखेंगे. ठीक है, ये आ गए हम यहां पे 110 डिग्री एंड 120 डिग्री. ओके 120 डिग्री. नेक्स्ट इज, अब यहां देखिए स्ट्रेट. अब इसको मैं जिस मर्जी तरह से ले सकती हूं. ठीक है, अब यहां मेरा पॉइंट है यहां पे और इसे मैंने ज्वाइन किया. अब आप कोई भी डिग्री, अगर मैं ये रे देखती हूं, ठीक है, और सेकेंड रे कहां को कोइंसाइड हुई, 180 डिग्री, या फिर मैं यहां वाला देखूं तो ये किस साइड हुआ, फिर से 180 डिग्री. तो ये कितने डिग्री का हुआ बेटा, 180 डिग्री. तो इस तरह से आपने एंगल्स की प्रैक्टिस करनी है बच्चे. और ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वर्कशीट 3 का, ये मैथ्स की बुक में, ओनली इन बुक यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन. ओके इन बुक. और साथ में आपने प्रैक्टिस भी करनी है किस तरह से मैम ने आपको एंगल्स ड्रॉ करना बताए हैं. ठीक है, अभी तो आपने ड्रॉ किस तरह से करने हैं और उन्हें मेजर किस तरह से करना है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है. ड्रॉ करने के लिए अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताऊंगी बेटा. अभी आपने मेजरिंग एंगल्स करना है कि किस तरह से आप एंगल को मेजर करोगे, और बुक में आपको एंगल्स जैसे दे रखे हैं तो आपने उन्हें मेजर करके फाइंड आउट करना है कि वो कितने डिग्री का एंगल है. ओके तो आप इसी तरह से आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतने अच्छे से आपको एंगल्स क्लियर होंगे. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.